तो हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम XUV300 को लेकर जा रहे हैं सर्विस सेंटर। ठीक है, और सेकंड टाइम लेके जा रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट सर्विस हुई थी उसकी वीडियो बना नहीं पाया था मैं, क्योंकि वो मैंने नागौर से करवाई थी। और ये रहा हमारा टॉप बॉक्स, तो मैंने वो खोल के बैलेनो के ऊपर रख दिया नॉर्मली अभी ऐसे ही। ठीक है, तो जो क्रॉस बार है वो लगी हुई है, वो नहीं निकाली मैंने। और गाड़ी अब तक टोटल चल चुकी है 6,869 किलोमीटर। ठीक है, और मुझे कॉल आया था नागौर ऑटोमोबाइल से, क्योंकि फर्स्ट सर्विस वहीं से करवाई थी मैंने। जयपुर में अब तक कुछ नहीं करवाया मैंने, तो इनके पास मेरे नंबर वगैरह कुछ नहीं है, इसलिए बचा हुआ था अब तक मैं। तो उनका फ़ोन आया था, उन्होंने बोला कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आया हुआ है महिंद्रा का XUV300 का, तो वो सॉफ्टवेयर अपडेट करवाने जा रहा हूँ। तो सारा सामान मैंने निकाल कर रख दिया वहाँ पर। ठीक है, तो अब फटाफट चलते हैं सर्विस सेंटर, और मैं जा रहा हूँ केएस मोटर्स, जो थोड़ा VK इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर है वो। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा नज़दीक पड़ता है मेरे, तो वहाँ जाते हैं और पता करते हैं क्या अपडेट में क्या है क्या नहीं, क्योंकि फ़ोन पे वो नहीं बता पाए। उन्होंने इतने ही बोला कि सॉफ्टवेयर अपडेट आया हुआ है, आप तो आ जाओ। मैं यार यहाँ से वहाँ जयपुर से नागौर जाना तो पॉसिबल नहीं है, यहीं करवा लेते हैं। तो ये वाली बात है, सुबह सुबह टाइम हो रहा है 9:14। ओके, तो फटाफट चलते हैं और देखते हैं किस चीज़ का अपडेट है भाई, क्या है क्या नहीं है। मेरे हिसाब से इसी अपडेट होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और किसका अपडेट हो सकता है, और इसी अपडेट भी है तो इसमें ऐसा क्या चेंजेस है क्या नहीं है, तो पूछेंगे। पता होगा ढंग से उनको तो बता देंगे, वरना वो उनका पता है आपको कि लैपटॉप लगाएंगे कर देंगे अपडेट, उनको भी नहीं पता किस चीज़ का है। ठीक है, तो चलो फटाफट चलते हैं। इंजन स्टार्ट किए हुए मुझे 6 मिनट हो चुके हैं, क्योंकि मैंने ट्रिप मीटर भी जीरो किया था, तो 6 मिनट हो चुके हैं, तो काफ़ी है। अब मिलते हैं सीधा सर्विस सेंटर में। तो गाड़ी में 5-6 किलोमीटर चला चुका हूँ अपडेट के बाद में। तो उन्होंने यहाँ पे जो इसका पोर्ट था OBD2 वाला पोर्ट, यहाँ उन्होंने लैपटॉप को और वहाँ से उन्होंने अपडेट किया। तो ये चीज़ अच्छी लगी मुझे कि यार OBD से ही अपडेट हो गया महिंद्रा का भी, तो ये तो गजब ही बात थी। तो उनको पूछा मैंने भाई किस चीज़ का अपडेट है, तो उन्होंने बताया, देखो कंफर्म नहीं है क्योंकि कंपनी जब अपडेट निकालती है ना तो इनको भी इतना नहीं पता होता, सही बताऊँ तो इन्होंने बताया कि पूरा ही अपडेट है एक तरह से। स्टेप क्या बोलते हैं, स्मूथनेस का अपडेट हो गया, एक थोड़ा एवरेज के ऊपर भी काम किया इन्होंने, दूसरा पावर के ऊपर काम किया है। अब इनको एग्जैक्ट नहीं पता कि पावर बढ़ाई है कम की है या कुछ किया है, मेन मतलब कहने का मतलब है कि जो स्मूथनेस है ना उसके ऊपर काम हुआ है। तो एवरेज प्लस पावर, इनका कॉम्बो जो होता है इन्होंने मतलब थोड़ा सा ट्विक किया उसके अंदर। और साथ में जो अपडेट था वो हमारे म्यूजिक सिस्टम का भी बताया उन्होंने कि इसका भी अपडेट हुआ है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है भाई, कि अगर कनेक्शन जैसे लूज हो रहा है, बीच में BT बंद हो जाता है या कुछ और है, क्रैकलिंग नॉइज़ है या कभी कुछ होता है, जो भी कोई बग्स वगैरह है, बग फिक्सेस, जैसे अपने फ़ोन में अपडेट आते हैं तो उसमें हर बार सिक्योर अपडेट में क्या लिखा आता है कि बग फिक्सेस। ठीक है, तो छोटे मोटे बग्स होते हैं जो आपको भी नहीं पता होते हैं, कभी कभी हर फोन में नहीं होते, किसी किसी में होते हैं। ठीक है, तो वो वाली चीज़ है। तो इसका भी अपडेट था और इसका भी अपडेट था। और एक अपडेट के बाद का आपको एक फ़र्क बताता हूँ केवल, मैंने अब तक जो नोटिस किया है 4-5 किलोमीटर के अंदर, वो ये है कि जब मैं गियर शिफ्ट कर रहा था ना फर्स्ट से सेकंड और सेकंड से थर्ड, थर्ड के बाद में क्या गियर बड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या बोलते हैं, कम रेशियो हो जाता है ना गियर का, तो उस टाइम पे जर्क नहीं आता। ठीक है, आप मतलब कोई नया बंदा भी गाड़ी चलाएगा ना थर्ड गियर के बाद में, वो भी झटका नहीं मार सकता क्योंकि वो बड़े वाले गियर में है, तो आप समझ सकते हो। ठीक है, मैकेनिकल वाली चीज़ है। तो फर्स्ट से सेकेंड पे आते हैं ना, तो हमेशा आपको पता होगा क्लच छोड़ने के बाद जैसे हम सेकेंड गियर में रेस देते हैं ना, तो एक हल्का सा जर्क सा आता था, मतलब गियर की शिफ्टिंग स्मूथ लग रही है मेरे को हल्की सी की, मतलब जैसे एक तरह से कैसे बताऊँ आपको, फर्स्ट से सेकंड गियर में जा रहा हूँ, उसके बाद जब क्लच छोड़ के मैं रेस देता हूँ ना, मतलब जो एक कॉम्बो होता है कि ये मैंने धीरे धीरे क्लच छोड़ा और धीरे धीरे रेस दी मैंने उस टाइम पे, समझ गए। तो उस टाइम पे हल्का सा ना थोड़ा जर्क सा लेती थी, बहुत मतलब था जर्क था ऐसा, कि आप कितना ही ट्वीक करके कर लो कि भाई पहले क्लच छोड़ा, हल्का छोड़ा, आधा छोड़ा, 20%, 40-50 ऐसे, तो कुछ भी कर लो जर्क तो लगता ही था। बट अपडेट के बाद में ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि जर्क नहीं आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ी सी अब गाड़ी और चला के दिखाते हैं तो मुझे क्या फील हो रहा है और देखते हैं। ठीक है, बाकी थोड़ा सा इंजन की नॉइज़ में फ़र्क है, हो सकता है कोई क्या बोलते हैं टाइमिंग कुछ चेंज हुई हो, ये फ्यूल नॉइज की आवाज़ थी। ओके, ये रहा, तो ऐसा कुछ हो आई डोंट नो। ठीक है, बाकी है अच्छा खासा फ़र्क है, और भगा के मैंने अभी देखी नहीं, अभी स्मूथनेस का मैं चेक कर रहा हूँ। ये फर्स्ट से सेकेंड में आया और बिल्कुल जर्क नहीं आया, पता है, बिल्कुल भी नहीं। ये मैं थर्ड में आ गया, पता है जर्क का बिल्कुल पता नहीं चल रहा। पहले जैसे ही मैं गियर शिफ्टिंग करता था सेकंड से थर्ड या फर्स्ट से सेकंड में, उस टाइम पे जर्क आता था हल्का सा, तो अभी बहुत सही है। ठीक है, और हल्का सा रोड पे ट्रैफिक नहीं है पीछे की तरफ। ठीक है, तो हल्का सा एक बार टर्बो ऑन करके देखते हैं, खींच के देखते हैं। तो ये पंजा मैंने पूरा दबा दिया,
पावर तो सेम लग रही है, कोई पावर में कोई मेरे को फ़र्क लगा नहीं सही बताऊँ तो आप लोगों को। ओके, चलने में बड़ी स्मूथ लग रही है यार, ये बात तो माननी पड़ेगी, मतलब अपडेट का फ़र्क है। बाकी एवरेज पे कुछ फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता ये कुछ टाइम में मैं पता करके बताऊँगा, ठीक है, क्योंकि अभी मैं पता नहीं कर सकता भाई, लॉन्ग टर्म या लंबी गाड़ी चलानी पड़ेगी उसके लिए मुझे, तो कुछ दिनों के बाद में मैं ट्रिप पर जा रहा हूँ छोटे से, तो उस टाइम पर पता करूँगा कि भाई क्या एवरेज दे रही है क्या नहीं है, कुछ फ़र्क है कि नहीं है, ठीक है, तो ये वाली बात है। और बाकी गियर चेंज करने के बाद में भी बड़ी सही चल रही है, जैसे सेकंड से थर्ड पे जा रहा हूँ या सेकंड से थर्ड पे भी जा रहा हूँ या थर्ड से सेकंड पे आ रहा हूँ, जो भी है स्मूथनेस है, अच्छी वाली बात ही है। तो भैया अपडेट का फ़र्क तो है, देखो जिन्होंने भी अपडेट नहीं करवाया एक तो वो पता कर लो, और आपके पास अगर गाड़ी है तो वो खुद से भी कॉल कर देंगे, अगर कॉल नहीं आया है तो यार आप भी पता कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है फोन करके भाई मेरी गाड़ी के लिए अपडेट आया कि नहीं आया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अपडेट के बाद में मुझे तो मज़ा आया, और अपडेट करवाना भी जरूरी है क्योंकि देखो गाड़ी वारंटी में भी है सब कुछ है, तो लाइन वाइज आप अपडेट करवाते रहो, कल को और अपडेट आता है तो आप वो स्किप नहीं करवा सकते कि भाई मैंने वो नहीं करवाया था वो है, उसका भी फ़र्क पड़ता है। तो जो अपडेट हैं लाइन वाइज जैसे जैसे आ रहे हैं वो आपको करवाने पड़ेंगे, सिंपल सी बात है, तो अच्छा खासा फ़र्क है। और अगर कुछ मुझे लगता है क्या है क्या नहीं है तो मैं आगे आने वाली वीडियोस में बता दूंगा कि भाई अपडेट के बाद में कुछ और फ़र्क लगा कि नहीं लगा, बाकी अभी फ़िलहाल वाला फ़र्क तो यही है अच्छा खासा कि स्मूथ हो गई है गाड़ी चलाने में और ज़्यादा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।